हज्जे बैतुल्ला के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के हज यात्रियों के दूसरे जत्थे की हुई वापसी। इस मौके पर दुर्ग पहुंचे हाजियों का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। हज की पवित्र यात्रा के लिए गए छत्तीसगढ़ प्रदेश से सैकड़ों की संख्या में हाजियों का वतन वापसी का दौर शुरू हो चुका है। इसके साथ राज्य में हाजियों का दूसरा जत्था भी नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचा, जहाँ से दुर्ग भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव सहित अन्य जगहों के हाजियों की वापसी होने लगी। इसी कड़ी में दुर्ग पहुंचे हाजियों के इस्तकबाल के लिए पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने फूलों से उनका जोशीला स्वागत किया। साथ ही सभी ने आए हुए हाजियों से गले मिलकर अपनी शुभकामनाएं दी। इसी कड़ी में दुर्ग केलाबाड़ी और सुभाष नगर से हाजी सैयद साकिर अली, हाजी सैयद गफार अली, जरीना खातून, शबनम खातून, कमाल अंसारी, शमीम खान, नसीमा बानो, यूसुफ खान, अमरीन बानो, अशरफ अली, मुबाशिरा, नदीम भाई, रिजवान खान, सलीमुद्दीन साहब, शाहिद साहब, नगीना बानो सहित अन्य हाजी दुर्ग पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उनका स्वागत करने पहुंचे लोगों को जी भरकर दुआएं दी, साथ ही मीडिया के समक्ष अपनी अनुभवों को भी साझा किया। माशाल्लाह, आप तमाम लोगों की दुआओं से, अल्लाह पाक के करम से हम जैसे गुनहगार आदमी को अल्लाह पाक ने अपने हरिमैन शरीफेन के हमको दीदार कराए। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमारे जैसे गुनहगार आदमी को आपने अपने घर का दीदार कराया, अपने प्यारे महबूब का घर दिखाया, इसके लिए हम एक एक सांस के बदले बेशुमार शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। हमने वहाँ पर जा कर के अपने तमाम रिश्तेदारों के लिए, खानदान वालों के लिए, शहर वालों के लिए, देश वालों के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए अमन और चैन की दुआएँ मांगी। अल्लाह पाक से आज भी दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में शांति और अमन बनाए रखे और हमारे प्रदेश को, हमारे देश में पूरे नाम रोशन करें। आप लोगों की दुआओं से हरिमैन शरीफेन मक्का मदीना की ज्यारत करके हज करके वापस आया हूँ। आज शहर से सभी हाजियों का वापसी आना हुआ है, बहुत मुबारक पल है और बहुत खुशियों की बात है कि आज पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के हाजी अपने घर वापस आ रहे हैं। हमारे अपने वार्ड के लिए, अपने शहर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अड़ोस पड़ोस के लिए, अपने वतन के लिए, सबके लिए दुआएँ करके आ रहे हैं ये लोग। अब बहुत मुबारक पल है कि अल्लाह के घर से आज हज करके लौटे हैं हम लोग। आज सैकड़ों की तादाद में देखो, हमारे किलाबाड़ी से सैयद साकिर अली जी, सैयद गफार अली जी, उनका परिवार आया है, हम सब इस्तकबाल करने आए हैं और बहुत खुश हैं हम लोग। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये पल हम लोगों के लिए भी नसीब हो, हम भी हज पे जाए और जितने लोग यहाँ आए हैं इस्तकबाल करने हाजियों का, ये सब अल्लाह अपने घर में इन सबको बुलाए, मैं ऐसी दुआ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे शहर के हाजी लोग आज हज करके वापस आए हैं। अल्लाह इनके हज कबूल करें, हमारी दुआएं हैं और हम इनसे दुआएं लेने आए हैं, इनके इस्तकबाल करने आए हैं। ये अल्लाह के मेहमान थे, बड़े ही खुशी की बात है और हमें फ़ख्र है कि इनको हज करने का मौका मिला और इनसे हम दुआ कराने आए हैं कि हमारे लिए भी दुआ करें और हमारे वतन के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए दुआ करें ताकि यहाँ अमन चैन बरकरार रहे, लोगों में आपसी भाईचारा, मोहब्बत और सुहाद कायम रहे। और इनका हम इस्तकबाल करते हैं और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं और हमारे खुद के लिए दुआ कराने के आए हैं कि हमारी भी जायज़ तमन्नाएं पूरी हों और हमें भी हज करने का मौका मिले, ये बहुत हमारे लिए फख्र की बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।